हाय गाइस, हिमाचल ड्रीम प्रॉपर्टीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ कॉटेजेस हैं। मैं ये किस लिए लेकर आया हूँ पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ से काफ़ी क्लाइंट्स के कॉल्स आ रहे थे जो कि मनाली में लगभग एक या दो महीने के लिए रहना चाहते हैं लगातार किसी अच्छी लोकेशन पे। तो उनके लिए ये मैं रेंट पर ये वाले कॉटेजेस लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉटेजेस दिखा देता हूँ, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत कॉटेजेस हैं, उसके बाद फिर इसकी प्राइस पर आएंगे। तो चलिए कॉटेज पर चलते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है वो कॉटेज, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और लोकेशन देखिए, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। अभी मैं ऊपर से भी आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा, हर तरफ का व्यू दिखाऊंगा। हाँ जी, देखिए ये देखिए, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये इसकी लॉबी है, ये फायरप्लेस है। यहाँ पर आप इजीली आराम से अपनी फायर जलाकर मस्ती मार सकते हैं। देखिए टोटल स्टेयर्स में लकड़ी का काम हो रखा है। ये देखिए, ये डाइनिंग टेबल और साथ में किचन विद चिमनी, सारी एक्सेसरीज दी गई है। आपका एक्वा गार्ड भी लगाया गया है, ये साथ में वॉशरूम दिया गया है। चलते हैं ऊपर की ओर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है कॉटेज। ये रूम्स हैं, इसमें मैं आपको बता दूं पार्टीशन किया गया है, एक तरफ 3 रूम्स है, दूसरी तरफ भी 3 रूम्स है। ये वॉशरूम है, ये देखिए, सिंगल सीटर सोफास दिए गए हैं। अब हम अगर व्यू की बात करें तो देखिए, एप्पल ऑर्चर्ड के बीच में है बिल्कुल। ये बाहर बालकनी दी गई है, काफी बड़ी बालकनी है, और यहां से व्यू देखिए आप, जो ऊपर पहाड़ों का व्यू है। इस जगह पे बर्फ गिरती है और ऊपर तो मैक्सिमम 8 महीने तक जो है स्नो रहती है। ये देखिए, ये दूसरा बेडरूम है। आपको मतलब यहाँ कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, लगभग मैक्सिमम सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, और सभी रूम्स में वॉशरूम अटैच है, फैन भी दिया गया है, लेकिन फिलहाल आजकल तो आपको फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हीटर की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए व्यू, देखिए एंडलेस व्यू। ये पूरा लोन है, आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, पूरे दिन में यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, इस तरफ दूसरी बालकनी है, तो ये सेम पोर्शन है उसी तरह का, जिस तरह से सेम यहाँ बनाया गया है उसी तरह से दूसरी तरफ भी बनाया गया है। अब आइए चलते हैं हम थर्ड रूम पे। बिल्कुल रॉयल टाइप में ये कॉटेज बनाई गई है, ये आपका थर्ड रूम है ना। दोनों पोर्शन में, ईच पोर्शन में, हर एक पोर्शन में 3 रूम्स हैं, किचन है, डाइनिंग स्पेस है, लॉबी है, और सब में अटैच वॉशरूम है। अब यहाँ की बालकनी से आपको व्यू दिखाते हैं, काफी लंबी चौड़ी बालकनी है,
ये देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है, ये बिल्कुल रोहतांग की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो लगभग मनाली से 9.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, टुवर्ड्स कुल्लू नगर रोड पे। ये देखिए टोटल एप्पल ऑर्चर्ड्स, ऊपर की तरफ डेंस फॉरेस्ट हैं ये देवदार के। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू। सो गाइस, अब अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इन्होंने एक महीने के लिए लगभग सारी फैसिलिटीज के साथ, कोशिश करेंगे जो यूटेंसिल्स होंगे वो भी ये साथ में दे दें, अगर नहीं भी दे पाए तो फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें आपको 3 रूम्स के जो ये पोर्शन है विद लॉबी फायरप्लेस लोन आप यूज कर सकते हैं, पार्किंग आपको मिल जाएगी। तो इस सब के साथ 60,000 रुपीज पर मंथ रखा है, बहुत रीजनेबल रेट है टोटल 3 रूम्स के पूरे एक पोर्शन का, बहुत ही रीजनेबल रेट है क्योंकि इस तरह के कॉटेजेस का मनाली में सीजन के समय लगभग 4,000 रुपया जो है वो पर डे का रेंट रहता है पर रूम का, तो 12,000 3 रूम्स के रहते हैं तो आप समझ सकते हैं, और ऑफ सीजन में भी कम से कम 1,800 रुपीज। तो 60,000 मुझे लगता है कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत से लोग यहां पर रहना चाहते हैं, इस समय मुझे काफी समय से कॉल्स कर रहे हैं तो मुझे लगा एक वीडियो मैं इस तरह की भी बना दूं ताकि आप लोगों के लिए एक इस तरह की अच्छी प्रॉपर्टी मिल पाए। 1 महीने 2 महीने 3 महीने अगर आप ज्यादा समय के लिए रहते हैं तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हो सकती है प्राइस में। तो फ्रेंड्स जरूर बताइएगा प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आप जैसे कोई और भी अगर लोग यहाँ पर आके रहना चाहते हैं थोड़ा लंबे समय के लिए तो फिर डेफिनेटली उनके लिए ये बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और इस तरह की हमारे पास और भी प्रॉपर्टी, अगर किसी और को और भी थोड़ा लोअर बजट में चाहिए होगा तो हमें बताइएगा, हमारे पास हर तरह की प्रॉपर्टीज रहती है। तो फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।